हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 17। ठीक है, हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलोजन, हेलो जन, हेलो मतलब सॉल्ट, जन मतलब जीन, और जीन का मतलब क्या होता है? बोर मतलब पैदा होना। ठीक है, ये यानी कि हम इनको क्या बोलते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये बात होगी हेलोजन के लिए। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? NH2NP5। बात क्लियर? फिर हम उसके बाद हम इसकी अब टेबल बना लेते हैं। टेबल में वही ये एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। राइट, एलिमेंट देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और हम एक और बोलते हैं एस्टेटाइन, AT। ठीक है, ASTATIN, यानी एस्टेटाइन। तो इसको याद रखने का तरीका देखो क्या है? फिर, कल, बरसात, आई। ठीक है, फिर कल बरसात आई, ये चीज़ भी कर सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बरसात आई या फिर कल बाहर आई आंटी, दोनों चीज़ होगी। एटॉमिक नंबर 9। ठीक है, इसका हमें 17 पता है, वही रूल लगाना, क्या 8 का गैप है, देन 18 ऐड कर दोगे इसके अंदर कितना आएगा? 35। देन इसके अंदर फिर 18 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 53। देन इसके अंदर 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 85। जनरल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। आउटर में दिख रहा है इसी तरह 3s2, 3p5, आगे सेम 4s2, 4p5, आगे सेम 5s2, 5p5, आगे सेम 6s2, 6p5, आगे सेम। ठीक है, ये हमारा सेम हो गया। अब देखो क्या है, हेलोजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, और ये जो आपका है एटी, एटी हमारा एक रेडियो एक्टिव है, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और ये अकेला ग्रुप है जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, ऑल आर नॉन मेटल। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैं फ्लोरीन का ले लूँ एटॉमिक नंबर 9, तो 2 और 7, इनकी देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर है? और मैंने ये बता दिया कि नॉन मेटल हो गए। और एक बात हो रहा है, ये जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ग्रुप की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है, और अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में बोलूँ तो फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, चलो और बात बोल देते हैं। ठीक है, लास्ट 80 को छोड़ के सारे मेटल, ठीक है, एक सुटेबल क्वांटिटी में हमें नेचर में मिल जाते हैं। ठीक है, सुटेबल क्वांटिटी में। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे, एक बात और भी है, डाई एटोमिक की फॉर्म में है। डाई एटोमिक, डाई एटोमिक में लिखूँ तो F2, Cl2, Br2 और I2, ये दोनों के दोनों गैस होते हैं, ये हमारा लिक्विड है। ठीक है, और ये हमारा सॉलिड है। तो बात क्या आती है, नेम ए नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन, एंड नेम ए नॉन मेटल जो हमें आयोडीन मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। एक बात और बोल देते हैं, ये सारे के सारे कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड। और अगर कलर्ड कंपाउंड है तो तुम्हें मैंने एक बात बता रखी थी, क्या हर वो कंपाउंड कलर कंपाउंड तभी बनेगा जब वो एनर्जी को गेन करेगा और उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ग्राउंड स्टेट से, और आते हुए एनर्जी को एमिट करेगा, तो वो सारे के सारे कलर शो करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इन सब के अंदर वो क्वालिटी है, यानी कि सारे के सारे हमें कलर में मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन हमें पेल अप्रोक्सीमेट येल्लो में होता है। ठीक है, और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो वो ग्रीनिश, ग्रीनिश अप्रोक्स येल्लो, और ब्रोमीन लिक्विड ही है तो ब्रोमीन ब्राउन कलर में होता है, रेडिश ब्राउन में,
रेडिश ब्राउन में, और आयोडीन सॉलिड है तो डी वॉयलेट कलर का होता है, पेल येलो ठीक है, क्लोरीन हमें ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन में, और वो हमें आयोडीन उस कलर में मिल गया, समझ गए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि फ्लोरीन फ्लोरीन देखो क्या आता है, छोटा साइज होता है बॉन्ड, जो छोटा छोटे के साथ ज़्यादा स्टेबल होता है, बड़ा बड़े के साथ ज़्यादा स्टेबल होता है, तो माइंड में आता है कि फ्लोरीन छोटा है, छोटे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, बट आप एक बात भूल गए, ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही आना चाहिए, बट फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, रिपल्शन हो जाता है, मतलब वो उससे खींचने की कोशिश करता है, वो उससे खींचने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर क्या जाता है, क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन, फिर हमारा आयोडीन आ जाता है, बस एक ये चीज़ बन जाती है हमारी, बाकी सारा का सारा सेम रहता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर है, होना क्या चाहिए, डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है, उसी तरह एफिनिटी का भी केस होना चाहिए, बट फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल अपसेंट होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता, तो यहाँ पर ट्रेंड क्या बनता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, रीजन हो जाता, क्लियर है ये चीज़। फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन आता है, जैसे कि मैं आपको अदर में पढ़ाता आ रहा हूँ, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के अंदर देखो क्या है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट नहीं होता, और एफ एफ डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, तो डिफरेंस देखो क्या है, फ्लोरीन ओनली शो माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर वाले ठीक है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम कर देते हैं, फ्लोरीन की कोवेलेंसी वन होती है, फ्लोरीन का इनर और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एच एफ एक वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू एस सी एल और एच बी आर और एच आई, फ्लोरीन दो स्पीसीज बनाता है एन ए एच एफ टू और एन ए टू एफ टू, ठीक है, और ये सोल्यूबल होता है, यानी कि ए जी एफ ई सोल्यूबल इन वाटर, और ए जी सी एल ए जी बी आर और ए जी आई ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है, और जो फ्लोरीन सबसे बड़ी बात क्या है, डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड, ठीक है, तो इसीलिए क्लोरीन बनाता है एस सी एल ओ थ्री एस सी, ठीक है, बाकी रिमेनिंग, मगर फ्लोरीन नहीं बनाता, तो ये इंटरेस्टिंग है और याद रखने वाली चीज़ें हैं काफ़ी। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी देखो क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मैंने एक्स टू को, एक्स मतलब हेलोजन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को मैंने एच टू गैस से रिएक्ट करवाया, तो ये क्या बना, एच एक्स, समझ गए, ठीक है, तो एक एक कंपाउंड बनाओ, एच एफ एस सी एल एच बी आर और एच आई, सारे कंपाउंड आ गए, हर ग्रुप की तरह जैसे हमने ग्रुप नंबर 15, 16 अब 17 पढ़ रहे हैं और आगे 18 पढ़ेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तीनों के तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में एलिजिबल है, तो सिमिलरली एच एफ वी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और रिमेनिंग विल फॉर्म वंडरवाल बॉन्डिंग, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं वही डिस्कस करूंगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, एस सी एल का सबसे कम, देन एच बी आर, देन एच आई और सबसे ज़्यादा एच एफ, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलरली वोलाटाइल, वोलाटाइल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा, तो एस सी एल इजिली उड़ेगा, एच बी आर थोड़ा सा और स्लो, एच आई और एच एफ बहुत ही स्लो क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दूसरी बात आती है रिड्यूसिंग करेक्टर की, रिड्यूसिंग करेक्टर, तो रिड्यूसिंग करेक्टर के अंदर आपको एक बात पता है अच्छी तरह, क्या एच एफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एच को नहीं देगा, एस सी एल दे देगा और एच बी आर भी दे देगा और एच आई बहुत इजीली दे देगा, क्योंकि एच और आई के बीच में बॉन्ड
बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो रिड्यूसिंग करेक्टर इजीली शो कर देता है। रिड्यूसिंग करेक्टर बोल दो या एसिडिक करेक्टर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों चीज़ों की। क्लियर है ये सारे पॉइंट एसिडिक में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ठीक है, एफ यहाँ पर किस फॉर्म में मिलेगा, एफ नेगेटिव फॉर्म में। सीएल आपको किस फॉर्म में मिलेगा, सीएल के अंदर। बीआर आपको किस फॉर्म में मिलेगा, बीआर नेगेटिव में। और आई आपको किस फॉर्म में मिलेगा, आई नेगेटिव में। अगर वो ये कहता है कि हैलाइड इन सब को जब हेलोजन नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है तो वो हैलाइड हो जाता है, तो ये हैलाइड है। हैलाइड की अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेगा, हैलाइड की स्टेबिलिटी में, तो सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये। क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, ठीक है, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और आयोडीन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं संभलते, वो दूसरों से क्या लेगा। क्लियर? तो हैलाइड स्टेबिलिटी एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव और आई, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये हमारा। चलो ये बात भी हमें पता लगी, ठीक है। फिर आगे थर्ड प्रॉपर्टी देख लो हमारी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करो। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फ्लोरीन आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, करता है। तो ये हमारा एचएफ बना देगा प्लस में, ठीक है, ऑक्सीजन अलग से निकल जाता है, ठीक है। बट एक बात और बोलना है, जब आपका क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों थोड़े से हट के एक स्पेसिफिकेशन देते हैं। क्या? एक तो आपका बनेगा HCl, तो बनना ही बनना है, इसके अंदर HBr बनेगा, बट यहाँ पर एक चीज़ बनती है HOCl और ये HOBr, ये इसकी एक अलग से केमिकल प्रॉपर्टी है। और आयोडीन कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं, बहुत बड़ा साइज हो जाता है, डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, क्लियर ये चीज़। और हम क्या बोलें, ठीक है, बट अगर आप चाहो आयोडीन को वाटर के साथ, बट अगर इसको एसिडिक मीडियम में कर दो ना, तो आई नेगेटिव आयोडाइड वो जरूर काम कर जाता है। यानी कि किस फॉर्म में, आयोडाइड को अगर आप एसिड की फॉर्म में, ठीक है, और ऑक्सीजन मिल जाए तो ये I2 की फॉर्म में आना जरूर पसंद कर लेता है और वाटर निकाल देता है। आप कहो सर इससे ये बन जाए, यानी I2 और वाटर को डाल के आप ये नहीं बना सकते, मगर एसिड की फॉर्म में आयोडाइड को I2 बना सकते हो। क्लियर है ये बात? चलो इसके बाद होगी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जब भी कभी किसको मान लो क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लिया, ठीक है, या आप हेलोजन ही ले लो, मैं डायरेक्ट हेलोजन ले लेता हूँ, मतलब हेलोजन को H2 को कंसनट्रेटेड एंड हॉट NaOH में डालो, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ से निकलना क्या चाहिए, निकलेगा हमारा दो चीज़ें तो सेम रहेंगी, OH और H के कॉम्बिनेशन में वाटर तो निकलेगा, नो डाउट। अगर यहाँ पर X है तो Na के साथ क्या बनेगा, NaX भी बनेगा, बिल्कुल नो डाउट। बट जब कंसनट्रेटेड और हॉट आ रहा है ना, ठीक है, और जब कंसनट्रेटेड और हॉट आ रहा है, तो उस केस में NaXO3 निकलता है। और अगर इसकी जगह पे H2 और डाइल्यूटेड और कोल्ड हो जाता, एंड कोल्ड NaOH, तो उस केस में देखो सेम क्या रहेगा, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, NaX भी निकलता ही निकलता है, बट डिफरेंस किसके अंदर आ जाता है, ये NaXO हो जाता है, ठीक है, NaXO, या आप इसको ऐसे लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है NaOX, ये लिखने में कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, NaOX। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन है। ऑक्सो एसिड देखो हेलोजन के, मैंने बोला था फ्लोरीन ऑक्सो एसिड अपने नहीं बनाता, एक ही बनाता है, एक HOF होता है, जिसको हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं, इसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये अपने एसिड बनाते हैं, ये हमें ऑक्सो एसिड के फॉर्म में। अगर सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन आया हमारा एसिडिक करेक्टर में, जैसे HClO4, HClO3, HClO4, ठीक है, O2, और ये इनको एसिडिक करेक्टर में लिखना है आपको, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो जिसके अंदर HCl, ये Cl, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन, अगर आप इनको ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखोगे ना,
तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, यानी जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक करेक्टर में होगा, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात करें तो जिसका जितना कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारा, ठीक है। सिमिलरली थर्मल स्टेबिलिटी, जिसके ऊपर मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उसकी उतनी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ये चीज़, और वो उतना ही कम ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेगा, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और इसी कंसेप्ट को आप कंजुकेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, कंजुकेटेड की फॉर्म में। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, स्ट्रक्चर देखो क्या ऑब्जर्व है, ये जैसे HClO3, ठीक है, परक्लोरिक एसिड HClO4, और ठीक है ये, और हमारा क्लोरस एसिड HClO2, और हमारा क्या आएगा हाइपोक्लोरस HCl। एक बात याद रखना, हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ केमिकल, बट अगर उससे भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो हमारा परक्लोरिक एसिड होता है। रीज़न क्या बना दोगे, उसका कंजुकेट बेस बना देना, कंजुकेट बेस बनाओगे तो HCl, देखो ये रहा जो HClO4 नेगेटिव है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें रेजोनेंस आ जाता है, और रेजोनेंस की वजह से इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होने की वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड हो जाता है, क्लियर है। एक लास्ट टॉपिक है हमारा इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड कौन से हैं जो हेलोजन की इंटरमिक्सिंग से बने हो, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ I2+, ठीक है, F2, तो ये बनाता है हमारा IF7, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर एक्सेस में हो जाए थोड़ा। और देख लो Cl2+ में F2, तो ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है Cl F5, ये भी एक्सेस में है हमारा। और देख लो जब आप ब्रोमीन को F2 फॉर्म में लिखो, अगर ये लेस है तो Br F3 भी बनता है, और अगर ये एक्सेस है एक्सेस फॉर्म में तो Br F5 भी बनता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्लोरीन आपका लेस होता तो ये एक चीज़ और भी बनाता है Cl F3 लेस में, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं। इनसे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारी, तो देखो इनसे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने IF7, इसकी वो हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, स्ट्रक्चर पूछता है, ये मैं आपको 11th क्लास में पहले ही करवा चुका हूँ, बट एक मेथड यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आई है, बॉन्ड पेयर डायरेक्ट कितने होंगे, बॉन्ड पेयर होते हैं जी हमारे 7। लोन पेयर निकाल लो, लोन पेयर निकालने का तरीका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय में 2, तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, बॉन्ड पेयर भी 7 डिवाइडेड बाय में 2, 7 - 7 0 डिवाइडेड बाय में 2, ये 0 आ गया, आ गया हमारा 0। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का कॉम्बिनेशन कितना आ गया 7। फिर मैंने तुम्हें करने का तरीका है SP और D लिख लो, S का ऑर्बिटल 1 होता है, P का 3 कितने हो गए 4, और कितने रह गए 3, तो यानी SP3D, ठीक 3। अब देखो 7 आ गया, 5, 6, 7 से आ जाए तो 2 कर देना माइनस, यहाँ 5 यानी पेंट, 5 तो नीचे आ गया, तो बना दो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, कर दिया। आई इधर है सिंगल 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 सिंगल, और दो ऊपर आई, और ये आई, बाकी सारी जगह पे आई आ जाएगा आपका। और इसको करने का तरीका क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाया पिरामिडल, क्लियर। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको 11th क्लास के हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी, वो अवेलेबल है, ठीक है, ओके।